अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हाँ एनीवन प्लीज कंफर्म। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तंजील, आप लोग की स्ट्रेंथ आज बहुत कम है, सिर्फ 4 बच्चों ने ज्वाइन किया है। पहले कोई क्लास थी आप लोगों की? नो मैम, आज ये फर्स्ट क्लास है? दो पीरियड फ्री थे हमारे पिछले। तो बीच फ्री थे। अच्छा एक मिनट, देखते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। लेट्स स्टार्ट द सेशन। लास्ट सेशन में जो है, लास्ट टाइम जो मेरी क्लास हुई थी, तब हमने मॉसफेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है? और हमने देखा था कि मॉसफेट्स किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है? अच्छा, सो फार हमने जो है वो बीजेटीज को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, ठीक है? हमने बीजेटी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा और बीजेटी का जो है वो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशंस भी देखी, उसकी एप्लीकेशंस देखी, ठीक है? फॉर्मूलाज वगैरह सब देखे कि हम किस किस तरीके से बीजेटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नाउ मूव ऑन। फिर हमने मॉसफेट से स्टार्ट की और हमने लास्ट क्लास में देखा कि मॉसफेट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है? और हमने कुछ इस तरीके से ये जो है वो फिगर डिस्कस की। हमने कहा भाई एक पी टाइप सब्सट्रेट का एक बार सा होता है, ठीक है, जिसकी डब्ल्यू विड्थ होती है, उसमें जो है दो जो है वो एन टाइप मटेरियल, टू साइडेड एन टाइप मटेरियल ऐड किया जाता है। सेंटर में हमारे पास उसका गेट होता है, ठीक है? और दोनों साइड्स पे एक तरफ हमारे पास ड्रेन होता है और दूसरी साइड हमारा सोर्स होता है, ठीक है? और हम कहते हैं कि भाई इस तरह ये तीन रीजन बनते हैं, ठीक है? दैट इज गेट, सोर्स एंड ड्रेन, ठीक है? उसके फिर हमने देखा कि भाई उसकी थिकनेस होती है, जिसको हम उसके ऊपर, पहले तो गेट और सोर्स और ड्रेन के ऊपर हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है? हम कहते हैं कि भाई मेटल की लेयर होती है बेसिकली, जिसकी और हम कहते हैं कि भाई ये मेटल की लेयर एज अ बॉडी बिहेव कर रही है, ठीक है? अच्छा, एक मिनट, वेट फॉर अ वाइल, मैं वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स देख लूँ। ओके, और फिर हमने डिस्कस किया कि इस मेटल लेयर के बीच में जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है, जिसकी थिकनेस जो होती है वो TOX होती है, एज यू कैन सी। किसी स्टूडेंट का कैम साधन, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। फिर जो है वो उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, और हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो थिकनेस होती है इन बिटवीन द टू प्लेट्स, वो आपके पास होती है TOX, सही है? जो हमारे गेट और बेसिकली हमें गेट पे जो है वो पीट सब्सट्रेट और मेटल के बीच की
लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कि भाई हम इसको एफ ए टी क्यू कहते हैं, ठीक है, इसका नाम किस तरीके से पड़ा, वाई वी कॉल इट मॉस्फेट्स, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई जब हम कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करते तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। नाउ मूव ऑन, अब हम देखते हैं कि भाई जब हम इनपुट अप्लाई करना शुरू करते हैं तो इस पर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई जब हमने यहाँ पे अपने, ये आपका मॉस्फेट है, ठीक है, और हमने जब इस पे, अगेन देखो ये इमेज बिल्कुल सिमिलर है, एक तरफ के पास आपके पास सोर्स रीजन है, एक तरफ आपके पास ड्रेन रीजन है, बीच में आपके पास गेट रीजन है। अच्छा, बॉडी टर्मिनल को हम कहते हैं वो उस पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं बॉडी टर्मिनल जो है वो हमारा यूजलेस होता है, उससे उसको यूज ही नहीं किया जाता। हमारे पास मॉस्फेट भी जो है बीजेटी की तरह थ्री टर्मिनल डिवाइस ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले गेट पे एक सोर्स अप्लाई की, ठीक है, वोल्टेज सप्लाई अप्लाई की, दैट इज़ VGS, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, गेट पे आपका जो गेट टर्मिनल है, ठीक है, वी हैव अ वोल्टेज सोर्स ओवर हियर, ठीक है, दैट इज़ डिनोटेड बाय VGS, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई इस VGS से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एज यू कैन सी दिस VGS इज पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है, ये इसके साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है, गेट के साथ जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, एंड द अदर टर्मिनल इज ग्राउंडेड, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई व्हेन इट इज इट्स पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द गेट, ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली, अब हम इस इमेज को मैं रेफरेंस बना रही हूँ, ठीक है। होगा क्या कि हमने कहा भाई ये जो एन बीच में ये जितना लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन है, दैट इज पी टाइप, ठीक है, ये पूरा पी टाइप है, और ये जो साइड्स पे आपको ग्रे शेडेड दिख रहा है, दैट इज एन टाइप, ठीक है। पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्जेस, एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्जेस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। हमने कहा, अब हम कह रहे हैं कि भाई गेट पे हमने एक सप्लाई लगा दी, जैसे हम अभी मैं पीछे बताई थी, हमने एक VGS सप्लाई लगा दी, पॉजिटिव सप्लाई लगा दी, ठीक है। होगा क्या, पॉजिटिव सप्लाई का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसके अंदर जो वो क्या है, होल्स हैं, ठीक है, फ्री होल्स जो हैं। अच्छा, होता क्या है, जहाँ पी टाइप मटेरियल है वहाँ पे, मतलब इसका मतलब हमारे पास क्या है, फ्री होल्स मौजूद हैं, और जहाँ एन टाइप मटेरियल है वहाँ पे हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। यही बात पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होता है कि भाई पी टाइप में हमारे पास फ्री होल्स होते हैं, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो मैंने जब कहा कि भाई यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई की, तो होगा क्या अल्टीमेटली, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जो है वो फ्री होल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो जब मैं इसे मैं पॉजिटिव वोल्ट सप्लाई करूँगी तो वो चार्जेस क्या करेंगे, वो पॉजिटिव चार्जेस दूसरे पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहे सेम चार्ज है, ठीक है, तो सेम चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि अगर एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता तो वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये फिनोमेना हमें पता है पहले से कि अगर सेम चार्ज होगा नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सेम केस ये है कि हम पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि वी ऑलरेडी हैव पॉजिटिव चार्जेस फ्री होल्स इन अवर गेट, ठीक है, और जब हमने उस पर एक्सटर्नल एक वोल्टेज सप्लाई, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दी, तो क्या होगा, जाहिर है पॉजिटिव सप्लाई का मतलब वहाँ भी होल्स हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, दैट पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स ईच अदर, ठीक है। वो जब रिपेल करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो चार्जेस हमारे इस रीजन में थे, सही है, जो चार्जेस हमारे इस रीजन में थे वो क्या करेंगे, रिपेल करके वो इधर डाउनवर्ड्स मूव करने लगेंगे, ठीक है। वो जो इसकी बॉडी है, दैट दैट फ्री होल्स ट्रेवल्स फ्रॉम दैट फ्रॉम हियर चैनल रीजन से, ये कहाँ मूव करने लगेंगे, पी सबस्ट्रेट में मूव करने लगेंगे, ठीक है।
अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा क्या कि यहाँ से ही अपनी जगह छोड़ देंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह छोड़ देंगे, होल्स अपनी जगह छोड़ देंगे, अब वो डाउनवर्ड्स मूव करने लगेंगे। उससे होगा क्या कि इस रीजन में हमारे पास हेयर, सही है, जब पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ता है या एक होल अपनी जगह छोड़ता है तो वो पीछे क्या जनरेट करता है, पीछे वो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, ठीक है। क्या हमने जब सेमीकंडक्टर्स की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, इंटरनल कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, तो हमने ये बात देखी थी कि भाई होता क्या है सेमीकंडक्टर्स में कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ने क्या बनाया हुआ होता है, बाउंड, कोवेलेंट बाउंड बनाया हुआ होता है, ठीक है। जब उसको दूसरे जब वो चार्ज अपनी जगह से मूव करता है किसी भी वजह से, अदर वो किसी दूसरे सेमीकंडक्टर की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, सही है, दूसरे चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, या किसी भी जगह से वो अपने किसी भी वजह से जब वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या छोड़ता है, पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ेगा, अपना बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएगा, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स अ रीजन, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पे जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए, सही है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, फ्री होल्स आ गए, ठीक है। ये फ्री होल्स क्या करेंगे, सही है, अल्टीमेटली यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रीजन सा बन जाएगा, ठीक है। यह रीजन है मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे तो अब मैं नेक्स्ट इमेज की तरफ जो हम फॉलो कर रहे थे बेसिकली इमेज, उसको उसका रेफरेंस देती हूँ कि देखो यहाँ पे एक रीजन सा बन जाएगा, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का रीजन है ये एक रीजन सा बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, ठीक है। कि हमारे पास इस रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, ठीक है, और ये पूरा एक पाथ बन जाएगा। ये दोनों क्या करेगा, अल्टीमेटली ये रीजन क्या कर रहा है, ये रीजन कनेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन और सोर्स टर्मिनल को, ठीक है। दैट रीजन जो हमारा डिप्लीशन रीजन बन गया फ्री होल्स के मूव होने की वजह से, ठीक है, फ्री होल्स के मूव होने की वजह से ये जो हमारा डिप्लेशन रीजन बन गया ये क्या करेगा, ये पाथ क्रिएट कर देगा, ठीक है, इन बिटवीन योर ड्रेन एंड योर सोर्स, ठीक है। अब क्या है, अब ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है, और ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो गए तो इनको एक करंट फ्लो के लिए एक रास्ता मिल गया, एक पाथ मिल गया, ठीक है। तो आई गेस दिस मस्ट बी क्लियर नाउ कि हुआ क्या कि पहले जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन थी, ठीक है, जब हमने कोई भी सोर्स सप्लाई नहीं की थी, हमने गेट पे कोई सप्लाई नहीं दी थी, तीनों टर्मिनल्स अपने अपने जगह पे थे, ठीक है, तो क्या था, दो एंड रीजन थे जिसके बीच में एक पी रीजन था, ठीक है, तो उसके बीच दोनों एंड रीजन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, देयर वॉज नो कनेक्शन, ठीक है। लेकिन जब हमने गेट पे सप्लाई अप्लाई की, ठीक है, तो क्या हुआ, फ्री होल्स मूव हुए, फ्री होल्स मूव हुए तो उन्होंने अपनी जगह जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है, और उसके जमा होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास एक रीजन क्रिएट हो गया, दैट इज डिप्लेशन रीजन, एंड दैट रीजन मेक्स द पाथ फॉर करंट टू फ्लो, ठीक है। तो इस सारी सिचुएशन में जो है ये जो VGS आपका जो था इसकी वजह से ये इफेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। यही सारी बात जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, यही सारी बात इस पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, जो रीजन हमारे पास जनरेट हुआ, ठीक है, दैट रीजन वॉज एन रीजन, ठीक है, एन रीजन इंट्रोड्यूस हुआ ना, अगर मैं इस इमेज की बात करूँ तो ये क्या था, ये पूरा एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इसका मतलब ये एन रीजन है, ठीक है, ये एन रीजन इंड्यूस हुआ तो इसका मतलब, इसलिए इस मॉस्फेट को एन चैनल मॉस्फेट भी कहा जाता है, मतलब ये जो पाथ बन रहा है इसमें बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको एन चैनल मॉस्फेट भी कहा जाता है, या जिसे हम दूसरी जबान में एनमॉस ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, आपने ये नाम सुना होगा, एनमॉस, पीमॉस, सीमॉस, ठीक है। तो ये जो एनमॉस ट्रांजिस्टर है, इस जो हम कहते हैं एनमॉस ट्रांजिस्टर, उसकी वजह ही होती है इसी ट्रांजिस्टर को, जिसमें एन टाइप डिप्लेशन रीजन जनरेट होता है, इसी ट्रांजिस्टर को एनमॉस ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। अब ये सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, मैं एक दफ़ा इसको रीड करती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बुक के अल्फाज में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो,
Consider the situation depicted in figure 5.2. Here we have, this is the figure 5.2, okay? That we were discussing, okay? Okay. Here we have grounded the source and the drain. हमने क्या किया, सोर्स और ड्रेन को ग्राउंड कर दिया था, ठीक है? एंड अप्लाई अ पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट, ठीक है? और हमने पॉजिटिव गेट पे पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई कर दिए थे, सही? सिंस द सोर्स इज ग्राउंडेड एंड द गेट वोल्टेज अपीयर्स इन द इफेक्ट बिटवीन द ग्रेट एंड सोर्स, थस इज डिनोटेड बाय VGS, ठीक है? क्योंकि सोर्स ग्राउंडेड था और हमने उसमें VGS गेट पे सोर्स अप्लाई की थी, तो उसको ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट हो गया और वो सोर्स और गेट के बीच में आ गया, इसलिए इसको VGS कहा गया, ठीक है? VGS कहने का मकसद क्या है, क्योंकि वो गेट और सोर्स के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है? इसकी इसका मकसद क्या है, देखो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो गेट से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल आपके पास सोर्स से कनेक्टेड है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन एज यू कैन सी कि ग्राउंड कॉमन होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसे ग्रेट मतलब ये ग्राउंड कॉमन हो जाएगा तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो इसको गेट टू सोर्स वोल्टेजेस कहा गया है, ठीक है? द पॉजिटिव आई एम हियर, ठीक है? द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट कॉजेज द इन द फर्स्ट इंस्टेंट द फ्री होल्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज टू बी रिपेल फ्रॉम द रीजन ऑफ द सबस्ट्रेट अंडर द गेट द चैनल रीजन, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, जो उसके अंदर फ्री होल्स थे वो रिपेल होंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, अपने गेट के पी टाइप सबस्ट्रेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? दीज होल्स आर पुश डाउनवर्ड्स इनटू द सबस्ट्रेट, ठीक है? Leaving behind a carrier depletion region. The depletion region is populated by the bond negative charge associated with the acceptor atoms. ठीक है? होगा क्या कि पीछे जब वो move करेगा, free hole move करेंगे तो वो पीछे positive charge move करेंगे तो वो पीछे क्या छोड़ जाएंगे? Negative charge हो जाएंगे. जिसकी वजह से आपके पास एक population of negative charge generate हो जाएगी under the gate region, ठीक है? These charges are uncovered because the neutralization holes have been pushed downward into the substrate, ठीक है? As well, the positive gate voltages attracts electrons from n source and drain region where they are in abundance into the channel region. When a sufficient number of electrons accumulated near the surface of the surface a substrate under the gate and n region is in effect created, ठीक है? The big population of substantial amount of electrons यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक region create कर देगा, ठीक है? Connecting the source and drain as indicated in figure 5.2, वो क्या कर रहा होगा, source और drain को आपस में connect कर रहा होगा, ठीक है? Now if a voltage is applied between the drain and source, अगर हम voltage apply करें, ठीक है, किसके बीच, drain और source के, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब ये depletion region count बन गया, ठीक है? अब इसके बीच में path बन गया, सही है? अब अगर हम supply देंगे यहाँ पे gate पे और ड्रेन और सोर्स के दरमियान, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या होगा कि करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है? नाउ इफ अ वोल्टेज इज अप्लाई बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, करंट फ्लोस थ्रू दिस इंड्यूस्ड एन रीजन एंड कैरीड बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्या करें, अगर हम ड्रेन और सोर्स पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बनने लगेगा, हमारे पास उस सोर्स की वजह से करंट को एक पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए, ठीक है? और वो क्या करने लगेगा, इंड्यूस करंट आपके पास फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स फ्लो करने लगेगा, ठीक है? द इंड्यूस एन रीजन थस फॉर्म अ चैनल फॉर करंट फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स एंड एप्टली कॉल्ड सो करस्पॉन्डिंग द मॉस्फेट ऑफ फिगर 5.2 इज कॉल्ड एन चैनल मॉस्फेट और अल्टरनेटिवली एन एनमॉस ट्रांजिस्टर, ठीक है? इसलिए इसको एनमॉस ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, secondly, note that the N-channel MOSFET is formed in a P-type substrate, ठीक है? ये एक P-type substrate था जिसमें N-channel MOSFET बना है जिससे, ठीक है? ये P-type substrate था और इसमें N-channel MOSFET बना है. The channel is created by inverting the substrate. मतलब P-type था तो N-type बना है, N-type होता तो P-type बनता, ठीक है?
सरफेस फ्रॉम पी टाइप, इसीलिए इसको क्या एक और लफ्ज भी कहा जाता है इसके लिए कहा जाता है इस जो रीजन है इंड्यूस्ड चैनल रीजन, इसको इन्वर्जन लेयर भी कहा भी जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पी टाइप था तो एन टाइप बना है तो इसका इन्वर्स है, तो इसको इन्वर्जन लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा द वैल्यू, अच्छा फिर आगे बात करते हैं कि भाई वीजीएस, अब सवाल ये है कि हमें कितना वीजीएस देना है, ठीक है, वीजीएस कितना होना चाहिए, कि कितने वीजीएस पे हो सकता है कि भाई इतने कम इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इतने कम सप्लाई दे दें, वीजीएस की वैल्यू हम इतनी छोटी दे दें कि यहाँ पे रीजन इतने इलेक्ट्रॉन्स जमा ही ना हो कि वो जो है वो इसके बीच में पाथ जनरेट कर सके, ठीक है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमें वीजीएस की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? एनी वन एल्स खुशबख्त के अलावा और कोई क्लियर है? अच्छा अजान हो रही है किस? अच्छा 2 मिनट वेट करो, अजान हो रही है, कंटिन्यू करते हैं अजान के बाद, ठीक है। ओके लेट्स कंटिन्यू। अच्छा जी फिर हम बात करते हैं कि भाई अब हमने ये देखना है कि वीजीएस कितना अमाउंट ऑफ वीजीएस होना चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ वीजीएस कि भाई हम इतने पॉजिटिव सप्लाई की वैल्यू इतनी दें कि हमारे पास एन चैनल जो है, जो हमारे पास डिप्लेशन रीजन क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हो जाए, इतने सुफिशेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो उस जो वैल्यू होती है दैट मिनिमम वैल्यू दैट कैन प्रोड्यूस दैट डिप्लेशन रीजन, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वीजीएस दैट कैन प्रोड्यूस दैट डिप्लेशन
डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, कि हम इतना वी, जिसको हम डिनोट करते हैं वी टी से, ठीक है, हम कहते हैं वी टी इज द वैल्यू जिसके ऊपर आपके पास ये डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है. तो वी जी एस की वो वैल्यू जहाँ पे आपके आपके पास डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाए, जनरेट हो जाए, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस या वी टी कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम वी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. जाहिर है क्योंकि हम एन चैनल एफएटी की बात कर रहे हैं, तो इस वी टी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव सप्लाई होनी चाहिए, तभी होल्स रिपेल करेंगे, ठीक है. और अगर ये अपोजिट केस होता, मतलब ये पी चैनल होता, तो हम नेगेटिव सप्लाई दे रहे होते, ठीक है, हम नेगेटिव वी टी अप्लाई कर रहे होते, लेकिन क्योंकि ये एन चैनल मॉस्फेट है, तो हम पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज देते, तो वी टी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है. अच्छा, ये जो है वो डिवाइस कंट्रोलिंग पैरामीटर होता है, और ये हमारे पास जो डेटा शीट होती है उसमें गिवन होता है, ठीक है. और जनरली इसकी जो रेंज होती है, जो इसकी वैल्यू की रेंज होती है, वो लाइक कर रही होती है 0.3 से लेकर और 1 वोल्ट तक के दरमियान, ठीक है. इसकी जो वैल्यू होती है वी टी की, वो 0.3 वोल्ट से लेकर और 1 वोल्ट तक के दरमियान होती है. और ये हमारे पास डेटा शीट पे बताई हुई होती है कि भाई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. ये फैब्रिकेशन पे डिपेंड करती है ना, कि भाई कितने जो है वो उसमें जो भी वर्जन ऑफ ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना पी टाइप सबस्ट्रेट है, कितना उसमें कितना डेंस है वो, जो हमें उसमें कितने पॉजिटिव होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स मौजूद है, तो हमें कितने सप्लाई देनी है, ठीक है. तो इट्स डिपेंड ऑन द डिवाइस फैब्रिकेशन, और ये हमें इसकी रेंज क्या होती है 0.3 से लेकर 1 तक, और ये हमें गिवन होती है डेटा शीट, ठीक है, कि आप जिस वर्जन का मॉस्फेट यूज कर रहे हो तो उसके हिसाब से, ठीक है. अच्छा, अल्टीमेटली फिर होता क्या है, अल्टीमेटली आपके पास जब ये सारी सिचुएशन बन जाती है, तो आपका जो ये मॉस्फेट का गेट टर्मिनल है, ये एज अ कैपेसिटर बिहेव करने लगता है. कैपेसिटर कैसे बिहेव करने लगता है, भाई इटसेल्फ यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. मैं जरा इसको हाईलाइट करके भी बताती रहूँ, ठीक है. तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई ऊपर गेट पे क्या था, गेट पे यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज. बीच में ये जो इन्होंने थोड़ी सी लाइन बनाई हुई है, ठीक है, दैट इज यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए, ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या करेगा, ये एज अ कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट्स में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट्स होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है. हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गए, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, बीच में ये जो हमारे पास ऑक्साइड लेयर थी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, ठीक है, वो क्या एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव करने लगी, ठीक है. ये जो बीच में हमारे पास लेयर थी, ऑक्साइड लेयर थी, ये यहाँ पे जो रिप्रेजेंट की भी है, ऐसा ये क्रॉस लाइन से जो रिप्रेजेंट की भी है हेयर, ठीक है, ये एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव करने लगी. तो ये पूरा चैनल, जो गेट चैनल है आपका, वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करे, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है. तो इट्स एक्टिंग लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है. फिर हमने कहा कि भाई ये जो कैपेसिटेंस है, अब जाहिर है इसको फिर हुआ क्या कि जब जाहिर है ये एज अ कैपेसिटर बिहेव करने लगेगा, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होने लगेगी, इसमें फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है. इसमें जब फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी, तो वो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगेगी कैपेसिटर में, जैसे होती है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई जो मॉस्फेट का जो हमने नाम रखा हुआ है, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका मकसद ही यही है, उसकी वजह ही यही है कि भाई आपके पास यहाँ पे ये जो एज अ कैपेसिटर, हम कहते हैं कि बीच में एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन कि और उस फील्ड पे डिपेंडेंट होता है आपके ट्रांजिस्टर का बिहेवियर. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, दैट इज FET, ठीक है. मॉसफेट जो इसका नाम है, वो किसकी वजह से, फैट जो आ रहा है, FET फैट आ रहा है, वो इसकी इस प्रोसीजर की वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम कहते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इसमें होता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है.
ओके अच्छा, फिर हमने बात की कि भाई वी टी जो है वो कौन सा वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमने कोई भी VDS पे फिलहाल कोई भी वोल्टेजेस अप्लाई नहीं किए हुए, ठीक है, फिलहाल VGS पे की बात नहीं करी, VDS की बात कर रही, ठीक है। करंट कब जनरेट हो रहा था, करंट जब जनरेट हो रहा था जब मैं ड्रेन पे कोई वोल्टेजेस अब सोर्स अप्लाई करूंगी, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट अप्लाइंग एनी वोल्टेजेस बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं यही सिचुएशन है, कोई ड्रेन और सोर्स के दरमियान वोल्टेजेस नहीं है तो होगा क्या, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, और हर पॉइंट पे इधर जो आपके पास वोल्टेज है ना वो हर पॉइंट पे वोल्टेजेस सेम होंगे, ठीक है। अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको पढ़ लेती हूँ। द वोल्टेज अक्रॉस दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द ऑक्साइड मस्ट एक्सीड VT फॉर अ चैनल टू फॉर्म, ठीक है। व्हेन VDS इज जीरो एज इन फिगर 5.0, द वोल्टेज एट एवरी पॉइंट अलोंग द चैनल इज जीरो, ठीक है, एंड द वोल्टेज अक्रॉस द ऑक्साइड between the gate and the point along the channel is uniform and equals to VGS, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो चैनल वोल्टेजेस हैं वो तो जीरो होंगे, लेकिन आपके पास ये जो ऑक्साइड लेयर है इस पे जो वोल्टेजेस आ रहे होंगे वो क्या होंगे, VGS के बराबर होंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपको अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम VGS पे जो है वोल्टेज सप्लाई जो है उस पर हम सिर्फ VT जितनी थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, हम उससे ज़्यादा वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस 1 हो लेकिन हमारे पास गेट पे जो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा हो 2, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज बच जाता है एक्सेप्ट ऑफ दैट थ्रेशोल्ड, मैं कह रही हूँ VGS भाई पूरा है, ठीक है, VGS में से मैंने VT निकाल दिया लेकिन कुछ वोल्टेजेस वहाँ पे बच रहे हैं। जरूरी नहीं है हमेशा जो VGS की वैल्यू हो, गेट पे जो वोल्टेज की वैल्यू हो वो उतनी हो जितनी थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। गेट तो इनपुट है ना, इनपुट पे ज़्यादा वैल्यू भी आ सकती है। जैसे हम जब BJT की बात करते थे तो ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए होते थे, 0.7, ठीक है, लेकिन हम उससे ज़्यादा वोल्टेजेस भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते थे बेस पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी VGS पे हमारे पास ज्यादा वोल्टेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने वोल्टेज VT से ज्यादा होंगे, ठीक है, VGS में जितने वोल्टेज VT से ज्यादा होंगे उसको कहा जाएगा वोल्टेज ओवरड्राइव वोल्टेजेस, ठीक है। इसकी मैं न्यूमेरिक फॉर्म में अगर बताऊं, फॉर सपोज मेरे पास VT की वैल्यू थी, थ्रेशोल्ड वैल्यू थी 0.5, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरा ट्रांजिस्टर था वो जो चैनल जनरेट कर रहा था, डिप्लेशन रीजन जनरेट कर रहा था, वो 0.5 वैल्यू पे कर रहा था, 0.5 वोल्टेजेस पे कर रहा था, ठीक है। VT की वैल्यू मेरे पास 0.5 थी, ठीक है, बट मेरे पास VT की वैल्यू क्या थी, 0.5 थी, ठीक। पर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास VGS की जो वैल्यू आ रही है, सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, VGS की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो 1.5 है। इसका मतलब इसमें थ्रेशोल्ड से 1 वोल्ट ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड था 0.5 लेकिन 1 वोल्ट यहाँ पे बच रहा है, तो इस 1 वोल्ट को कहा जाएगा VOV, ठीक है, VOV ओवरड्राइव वोल्टेज, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी कि VGS में से हम अगर VT को माइनस कर दें तो पीछे जो हमारे पास वोल्टेजेस बचेंगे उसको हम कहते हैं VOV, मतलब ओवरड्राइव वोल्टेजेस, सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई चैनल का जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, वो बराबर है क्यू इज इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है आप, ठीक है, वो बस किसके बराबर है, वो बराबर होगा सी ऑक्स डब्ल्यू एल इंटू वी ओवरड्राइव, ठीक है। अब W तो आपको पता है क्या है, विथ ऑफ द बॉडी है, जो पी टाइप सबस्ट्रेट था उसकी विथ थी W, ठीक है। L क्या थी, L वॉज द लेंथ ऑफ योर गेट, ठीक है, गेट रीजन जो था आपका उसकी लेंथ थी L, एज यू कैन सी हियर इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। L क्या है, इस गेट रीजन की लेंथ है, ठीक है। W क्या है आपके पास, विथ है, L लेंथ है, V ओवर ड्राइव आपने अभी निकाला, VGS माइनस VT V ओवर ड्राइव है। अब जो चीज़ बची दैट इज
सी ऑक्स, ठीक है, जिसको हम ऑक्साइड कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है. और ये ऑक्साइड कैपेसिटेंस क्या होते हैं, इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है ऑक्साइड लेयर पे, ठीक है, उसकी कैपेसिटेंस को वी ऑक्स कहा जा रहा है, ठीक है, सी ऑक्स, सॉरी बी ऑक्स बोल रही हूँ मैं, सी ऑक्स कहा जा रहा है, ठीक है. अभी हमने बात की कि भाई बीच में जो आपका रीजन फॉर्म होता है वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है, क्योंकि ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नीचे नेगेटिव चार्ज होते हैं, बीच में ऑक्साइड लेयर होती है जो एज अ डायलेक्ट्रिक बिहेव होती है. तो जाहिर है जब ये कैपेसिटर फॉर्म हो गया तो इसकी कोई कैपेसिटेंस भी होगी, और इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको कहा जा रहा है ऑक्साइड कैपेसिटेंस, ठीक है. एक ऑक्साइड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी ऑक्स बराबर होता है एप्सिलॉन ऑक्स डिवाइडेड बाय टी ऑक्स से, सही है. टी ऑक्स क्या होता है, टी ऑक्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, टी ऑक्स बोलता है थिकनेस ऑफ दैट ऑक्साइड लेयर, ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस किया था. यहाँ पे देखो इस फिगर में लिखा होता है कि टी ऑक्स क्या है, ये जो ये हमारे पास ये वाली लेयर है, बीच में जो वाइट लाइन वाली लेयर है, इसकी जो थिकनेस होगी उसको टी ऑक्स कहा जाएगा, ठीक है. और बचा एप्सिलॉन ऑक्स, वो क्या है, वो है परमिटिविटी, हियर इट इज, ठीक है, वेयर ई ऑक्स इज द परमिटिविटी ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, परमिटिविटी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रिज पावर माइनस 11 FF, ठीक है. तो ये आपको जो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसकी परमिटिविटी पता होती है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. और आपको थिकनेस क्या है, टी ऑक्स की वैल्यू कहाँ से पता होगी, जाहिर है ये फैब्रिकेशन से पता चलेगी कि जिस प्रोसेस से ये फॉर्म हुआ हुआ होगा उसके हिसाब से इसकी थिकनेस होगी. और ये भी अगेन आपको ये पैरामीटर बताया जाएगा कि भाई ये वाले ट्रांजिस्टर की जो ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है वो कितनी है, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक अगर एग्जाम्पल दी जाए कि हम कहें कि भाई इसकी थिकनेस 4 नैनोमीटर है, ठीक है, तो सी ऑक्स किसके बराबर बनेगा, 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 एफ डिवाइडेड बाय फैराड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है. आई गेस ये समझ में आया होगा, ठीक है. अच्छा मैं कह रहे हैं भाई इसको माइक्रो एम्पियर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, माइक्रो स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो माइक्रो स्क्वायर में इसकी वैल्यू बन जाएगी 8.6 एफ एफ डिवाइड बाय माइक्रोमीटर स्क्वायर, ठीक है. अच्छा अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा मॉस्फेट है एग्जाम्पल जिसकी लेंथ जो है वो गिवन हो आपके पास 0.18 माइक्रो और उसकी विड्थ गिवन हो 0.72 माइक्रो, तो आपके पास सी क्या बन जाएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपके पास सी ऑक्स इंटू डब्ल्यू एल. सी ऑक्स की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, तो ये क्या बन जाएगी 1.1 एफ एफ, ठीक है. अगेन दीज ऑल वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑफ द काइंड ऑफ मॉस्फेट जो आप यूज करो, ठीक है. और ये सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी इसको बनाती है, इस मॉस्फेट को डिजाइन करती है, उसकी डेटा शीट में से आती है ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है. अच्छा फिर जो है आई गेस दिस इज क्लियर. अच्छा मेरे पास 5 मिनट रह गए, चलो मैं कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूँ और फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको मजीद कंटिन्यू करूँ, ठीक है. अब ये चीज़ तो सारी चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि भाई आपके पास जो है वो किस तरह से लेयर फॉर्म होगी और किस तरह से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है. ये बात मैं इधर बता चुकी हूँ कि भाई जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. अब देखो ये हमने केस लिया है क्या, पहले हमने सिर्फ VGS अप्लाई किया था, अब हमने यहाँ पे ड्रेन पे VDS भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है. बात हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले कह रहे थे भाई VGS की वजह से गेट पे सोर्स अप्लाई करने की वजह से हमारे पास डिप्लीशन रीजन जनरेट हुआ, ये इंड्यूस एन चैनल क्रिएट हुआ, ठीक है. और फिर अब इसमें से अगर हमें करंट फ्लो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेट पे भी सोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जाहिर है फिर जहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक है. और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है.
अब हम कह रहे हैं कि अगर हमने VDS की स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS ली है, ठीक है, हमने छोटी सी वैल्यू ली है VDS की, ठीक है, तो क्या होगी? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे होंगे, ये इसकी कोई वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, जिसको कहा गया आपके पास ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा जी, अब यहाँ से देखते हैं कि क्या डिस्कस किया हुआ है। हम कह रहे हैं कि भाई ओके, नाउ वी विश टू कैलकुलेट द आईडी। अब हमने कहा कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, तो अब हमें करंट की वैल्यू भी तो मालूम करनी है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। We first note that because VDS is so small, क्योंकि VDS की value बहुत small है, we can continue to assume that voltage between the gate and the various point along the channel remains approximately constant, equals to the value at the source and VGS. ठीक है, हम कह रहे हैं क्योंकि VDS की value हमने बहुत छोटी ली है, approximately यहाँ बताया है अभी तक कितनी 50 millivolts तकरीबन ली है, 50 millivolts is very small value, ठीक है, तकरीबन बहुत छोटी वैल्यू ली हुई है, तो वी कैन स्टिल, इसकी वजह से करंट तो जनरेट होगा, लेकिन वी कैन स्टिल कंसिडर अप्रोक्सीमेट कि हमारे पास जो वैल्यू है इस एन चैनल के अक्रॉस, यहाँ पे जितने भी वोल्टेज हैं वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट वोल्टेजेस है, ठीक है, वी आर स्टिल अज्यूमिंग कि हमारे पास वोल्टेजेस क्या है वो थ्रू आउट द चैनल वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, वी जी एस के बराबर है, जो हमने गेट पे वोल्टेजेस अप्लाई किए हुए हैं उसके बराबर है, ठीक है। थस द इफेक्टिव वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड द वेरियस पॉइंट अलोंग द इक्वल्स टू वी वी ओवर ड्राइव, जा रहा है वो इफेक्टिव वोल्टेज किसके बराबर होंगे, वी ओवर ड्राइव के, एंड द चैनल चार्ज क्यू इज स्टिल गिवन, सही है, और अभी भी हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या होगी जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, मतलब इक्वेशन चेंज नहीं होंगी क्योंकि हमने बी डी एस की वैल्यू सेम ली हुई थी, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटिंग द आई डी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द इक्वेशन 5.2, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमें करंट निकालना है, आईडी निकालना है, जिसके लिए हमने क्या किया कि हम कहते हैं भाई इस फॉर्मूले से बेसिकली हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, एल को मैं डिवाइड में ले आई, एल इज द लेंथ, तो यहाँ क्या बचेगा, वी ऑक्स ओ सी ऑक्स इंटू डब्ल्यू इंटू वी ओवर ड्राइव, एज यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे ये बचा से। और हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, अभी हमने ऊपर बात की थी कि करंट फ्लो की वजह से हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पे डिपेंडेंट होगी, ई बराबर होगा वी डी एस डिवाइडेड बाय एल के, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, म्यू एन क्या है, वेयर म्यू एन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस ऑफ द चैनल, ठीक है, ये भी इसका एक फिजिकल पैरामीटर है जो फैब्रिकेशन प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो हमें थिकनेस भी हमें फैब्रिकेशन से पता चलेगी, हमें लेंथ भी फैब्रिकेशन से पता चलेगी, हमें विथ भी, क्योंकि हमारे पास तो बना बना ट्रांजिस्टर आ रहा है ना, उसमें कितनी उसकी लेंथ है, क्या है उसके अंदर जो जितना सेमी कंडक्टर ऐड किया हुआ है, कितनी पी टाइप की लेंथ है, कितनी एन टाइप की लेंथ है, ये सारी पैरामीटर तो हमें फैब्रिकेशन जिसने मैन्युफैक्चरर है जो वही बता सकता है। तो हमारे पास परमिटिविटी, ठीक है, टी ऑक्स मतलब थिकनेस, सही है, वी टी थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, डब्ल्यू विथ लेंथ, ठीक है, और आपके पास मोबिलिटी, सही है, ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, और ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चल सकती हैं, हमें फैब्रिकेशन प्रोसेस से पता चलेंगी, जो कि हमारे पास डेटा शीट में गिवन होता है कि भाई इस वाले ट्रांजिस्टर की ये वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो वो बराबर हो जाएगी म्यू एन सी ऑक्स इंटू डब्ल्यू एल डिवाइड बाय एल वी ओवर ड्राइव इंटू वी डी एस, ठीक है। फिर उन्होंने मजीद उसको सिंप्लीफाई किया हुआ, वी ओवर ड्राइव की जगह पे वी जी एस माइनस वी टी रख दिया, ठीक है, और उसके बाद ये करंट की फाइनल इक्वेशन निकाली गई, दैट इज इक्वल टू म्यू एन सी ऑस डब्ल्यू डिवाइड बाय एल वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी डी एस, ठीक है। इसका मतलब ये जो करंट है आपके पास ये किस पे डिपेंडेंट है, ये वी डी एस पे भी डिपेंडेंट है, ये वी जी एस पे डिपेंडेंट है, यही दोनों जो है वो हमारे पास म्यू एन फिक्स होगा, सी ऑक्स फिक्स होगा, डब्ल्यू फिक्स होगा, एल फिक्स होगा, ठीक है, वी टी भी फिक्स होगा,
बच्चा का क्या, ये डिपेंडेंट क्या होगा, वेरिएबल चीजें क्या है, VGS और VDS, ठीक है। जो हमने गेट पे वोल्टेज अप्लाई हुआ है वो चेंज हो सकता है, या फिर हमारे पास जो ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई हुआ है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है, ID, ड्रेन करंट, और इस इक्वेशन के थ्रू आप ड्रेन का करंट मेजर कर सकते हो इन द केस व्हेन VDS इज स्मॉल, जब VDS स्मॉल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क एनीवन। मास आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, आई विल नॉट मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। मैंने पहले ही आप लोगों को वो किया था कि एंड पे बिल्कुल ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, आई सो योर मैसेज मास, जस्ट सो योर मैसेज। काशान मैं बता दूंगी, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? स्टूडेंट्स, सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं? वहाब क्लियर है? अब्दुल वहाब साहब, माहीन, इज इट क्लियर? माहीन आसिफ, ओके, जो लेट्स फिनिश इट, अब टाइम हो गया है, तो वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। माहीन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो I'll mark her absent, ठीक है, ओके, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद डिस्कस कर देंगे, किस तरह से इसको हम मजीद एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीक में एक असाइनमेंट दूंगी, ठीक है, तो बी प्रिपेयर कि आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करना होगा, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।